कुशीनगर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले के रामकोला थाने की पुलिस ने बिना सील किए ही मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हैरानी की बात यह है कि रामकोला थाने में मासूम का शव लगभग 3 घंटे तक रहा, लेकिन पुलिस ने उसे सील करने की जहमत तक नहीं उठाई। बिना सील किए शव को गाड़ी में लाद कर पोस्टमार्टम हाउस पर ले जाने की घटना ने पुलिस के शर्मनाक चेहरे को उजागर किया है। ऐसो की गाड़ी में मासूम का शव बिना सील किए पोस्टमार्टम हाउस लेकर पुलिसकर्मी पहुंचे तो वहां मासूम के परिजन दहाड़ मार कर रोने लगे। पुलिस ने शव को बाहर निकाला तो उसका पैर बाहर लटक रहा था, जो पुलिसिया लापरवाही को उजागर कर रहा था। इस गंभीर मामले पर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। अभी तक आपने यूपी पुलिस को जिंदा लोगों को अपमानित करते देखा होगा, लेकिन कुशीनगर के रामकोला थाने की पुलिस ने लाश को भी अपमानित कर दिया है। रामकोला थाने की पुलिस ने गन्ने के खेत में हत्या करके फेंके गए मासूम बच्चे के शव को बिना सील किए ही पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। पोस्टमार्टम हाउस पर जब मासूम के शव को एसओ की गाड़ी से बाहर निकाला गया तो वहां मासूम का शव बाहर लटक रहा था। इस तरह की लापरवाही करके रामकोला पुलिस ने परिजनों को फिर से रोने पर मजबूर कर दिया। पुलिस गए ना तो कहता ना पुलिस की लेकर चलो थाना पर, 4 बजे के लाठी लिया के थाना पर धैल लेके जिला पर नहीं देते रहना लो। लिखा पड़ी भैल बड़ी कोशिश कैले तो लिखा पड़ी भैल आईल खाली प्रधान में पैसा दिल बा 2 बजे के लड़का के 3 बजे के मुँह के बिक दिल बा लड़का के हमारा 4 बजे लोग जानल बा 2 घंटा लास्ट 4 बजे आया 4:30 आया 4:30 के लाठी आई बाबे थाना पर के लोग कुछ नहीं कर वही तरह गमछा में साफ दिल नौ जगह गमछा वही में पकड़ के आये लड़का बा 2 घंटा से ऊपर 2.5 घंटा 3 घंटा रहनी है। ब्रॉड न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।